जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी मैक्रो फोटोग्राफी को इस मॉनसून सीजन में बहुत ही इजी और कंफर्टेबल कर सके। मैं बात कर रहा हूँ रेडियंट डिफ्यूजर की। रेडियंट डिफ्यूजर के कुछ बेनिफिट्स आज हम शेयर करेंगे। पहला, सॉफ्टनिंग लाइट। रेडियंट डिफ्यूजर आपकी हार्श लाइट को डिफ्यूज करता है, आपके शेडोज को सॉफ्टली क्रिएट करता है, एंड सेकेंड थिंग, आपके ग्रेन्स को बहुत रिड्यूस करता है। ये चीज आपकी मैक्रो फोटोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपकी सब्जेक्ट पे सॉफ्ट लाइट गिरेगी तो उसके डिटेल्स आपको बहुत फाइन दिखेंगे। सेकेंड, रिड्यूस रिफ्लेक्शंस। डिफ्यूजर के साथ जब भी आप मैक्रो फोटोग्राफी करते हो, हमेशा ये आपके रिफ्लेक्शंस को बहुत रिड्यूस कर देता है, जिससे आपकी डिटेल्स बहुत फाइन दिखती है, चाहे वो वेट सरफेस हो या चाहे आपका ड्राई सरफेस हो। तीसरा, एनहेंसिंग टेक्सचर्स एंड डिटेल्स। सॉफ्ट लाइट होने की वजह से रेडियंट डिफ्यूजर हेल्प करता है आपके टेक्सचर्स को हाईलाइट करने का और आपके सब्जेक्ट के डिटेल्स को फाइन करने का। यही चीज है जो हमारे मैक्रो फोटोग्राफी में बहुत प्राइमरी है। प्लस मेन थिंग ये है, जहाँ पे आउटडोर एरियाज में नेचुरल लाइट नहीं पहुंच पाती, वहां पे आप रेडियंट डिफ्यूजर की वजह से बहुत अच्छी तरह से मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। चौथा, पोर्टेबल एंड वर्सेटिलिटी। रेडियंट डिफ्यूजर लाइट वेट होने की वजह से आप इसको अपने साथ किसी भी जगह पे कैरी कर सकते हैं। आप इन चीजों को फॉलो करके रेडियंट डिफ्यूजर के साथ बहुत अच्छी अपनी मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपके पास रेडियंट डिफ्यूजर नहीं है तो इस दिए गए नीचे नंबर पे कॉल करके आप इसको मंगवा सकते हैं।